हाँ दोस्तों, क्या चले आपका? देखो, अभी तक हम सब सोच रहे थे कि शायद ऐसा हो, जो आईफोन SE 4 है, जो होने वाला है एक सबसे सस्ता आईफोन इंडियन मार्केट में, न्यू आईफोन, उसका जो डिजाइन है वो चेंज किया जाएगा। अब ये चीज ऑलमोस्ट कंफर्म होती दिख रही है, बिकॉज इसके जो कवर है उसकी रेंडर इमेजेस सामने निकल के आई है, जिसको देखकर लग रहा है, फोन की भी कुछ रेंडर इमेजेस आई थी सामने, जिसको देखकर क्लियर लग रहा है इसका जो डिजाइन है अब बड़े बड़े बेजल वाला नहीं होगा, कॉम्पैक्ट फोन वैसा ही होगा, लेकिन नोज वाला डिस्प्ले आपको मिलेगा जैसे कि था आईफोन X का या आईफोन 12 फ्रंट से दिखने में, ऐसा कुछ आपको उसमें मिलेगा, लेकिन बॉक्सी डिजाइन यहाँ पर नहीं होने वाला, कर्व मिलेगा आपको साइडों से। तो मुझे तो ये उम्मीद है जो आईफोन X था ना, वैसी कुछ फील आपको देने की कोशिश की जाएगी आईफोन SE 4 2024 की। इसी के साथ एप्पल को सैमसंग से झटका भी मिला है, जो ग्लोबल सेल्स हैं उसमें एप्पल को पीछे छोड़ दिया सैमसंग ने, एक बार फिर से ये चीज देखने को मिल रही है। अब इसके पीछे बड़ा रोल बताया जा रहा है AI का, जो सैमसंग ने इस बार अपनी न्यू S24 सीरीज लॉन्च करी थी, वहां पर जो AI के फीचर्स डाले गए थे, उनका बताया जा रहा है बड़ा रोल है सेल्स को पुश करने में ग्लोबल मार्केट में। अब देखना यह होगा एप्पल क्या करता है आईफोन 16 सीरीज के टाइम पे, जिससे कि वो वापिस सैमसंग से आगे निकल पाए। और दोस्तों, टचिंग को लेकर एक और अपडेट है, आगे आपको मैं बताता हूँ उसके बारे में, बड़ी मस्त चीज है यार। पहले जरा हम ओप्पो की बात कर लेते हैं। ओप्पो ने एक टीज किया है थोड़ा सा, मतलब ये लगा लो पॉपअप कैमरा का ट्रेंड पहले आया था फिर चला गया था, अब फिर से वो ट्रेंड वापिस आ सकता है। और मुझे पर्सनली ना बढ़िया लगा था यार, जो फुल व्यू डिस्प्ले आता था ना, बिल्कुल बेजल लेस, कोई नोच का पंगा नहीं, कुछ भी नहीं, चीज वो देखने में बहुत मस्त लगती थी। मैंने यूज किया था रेडमी K20 Pro, ये फोन आया था ना काफी टाइम पहले, मेरे पास ये रेड कलर वाला था जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसको यूज करके मुझे बहुत बढ़िया लगा, मेरा ये प्राइमरी फोन हुआ करता था, इसमें पॉपअप कैमरा था। आज भी ये फोन जो लोग यूज कर रहे हैं ना, उनका पॉपअप कैमरा अब तक परफेक्टली काम कर रहा है। उस टाइम हमें डर तो बैठ गया था माइंड में कि ऐसा कैमरा है, एक मैकेनिज्म है इसमें ऊपर नीचे होने वाला, तो ये लॉन्ग टर्म तक कैसे चलेगा, पर कोई दिक्कत नहीं आई है, जितने लोगों ने यूज किया ना, बढ़िया उनका ये कैमरा काम किया है। अगर ये चीज वापिस आती है और पहले से और इसको इम्प्रूव किया जाता है, तो मुझे लगता है कि मजा आएगा। आप बताओ, आपको फुल व्यू डिस्प्ले कैसा लगता था, जब कोई नोच का किसी चीज का पंगा ना हो, खाली पूरा डिस्प्ले ही आपको मिले, एक्सपीरियंस गजब का होता है ऐसे में। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट भी लेकर आने वाला हूँ, जिसको देख कर ना मजा आने वाला है आपको। कुछ फोन भी है जो अपकमिंग फोन है, उनकी वीडियो आपको पहले मिल जाएगी, और भी बहुत कुछ है आपके लिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। अब बात करते हैं नथिंग के बारे में। देखो यहाँ पर क्या है, नथिंग फोन 2 है, हम सब जानते हैं पॉपुलर फोन है, अब रिसेंटली ये फोन लॉन्च हुआ था। अब नथिंग फोन 3 को लेकर भी बातें स्टार्ट हो गई हैं, जहां पर आपको मिलने वाला है 8S Gen 3, और ये फोन होगा 40,000 से 45,000 की रेंज का स्मार्टफोन। जैसे कि अब नथिंग फोन 2 का प्राइस कम हो चुका है, ये तो हमने देखा ही है, लेकिन जो अब नया नथिंग फोन 3 आएगा उसका प्राइस नथिंग फोन 2 वाला रखा जाएगा, जो पहले नथिंग फोन 2 का प्राइस था, और ये फोन भी जल्दी लॉन्च कर दिया जाएगा, बिकॉज इस टाइम पे जो 40,000 से ऊपर का सेगमेंट है वहां पर नथिंग का कोई भी फोन नहीं है जो कि वन प्लस को, आईक्यू को, जो उस रेंज में मिलते हैं उनको टक्कर दे पाए, तो नथिंग फोन 3 अब दूर नहीं है। देखना ये है मुझे कि डिजाइनिंग इस बार चेंज की जाती है या फिर वही सेम मिलता है डिजाइन इसका। उम्मीद तो है कुछ तो फ्रेश डिजाइन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा नथिंग की तरफ से। दोस्तों, नथिंग फोन 2 है तो हम सब यूज कर रहे हैं, एक नथिंग फोन 2A माइक्रो करके कोई फोन है जो कि टीज किया जा रहा है नथिंग की तरफ से, ये आप देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इतना ही छोटा फोन होगा, वो यूज करने में ये फोन थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज का होगा, लेकिन इससे बड़ा होगा, कैमरा सिंगल यहाँ पर दिखा रहा है पीछे की साइड में। अब यहाँ पर दो बातें हैं, या तो ये फोन आपको मिलेगा कोई ना कोई आगे आने वाले टाइम में, नथिंग फोन 2A लाइट कह लो या माइक्रो कह लो, कुछ भी आप कह सकते हो, या फिर ये थोड़ा एप्रल फुल चल रहा है ना, उस चक्कर में कुछ ना कुछ यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अब क्या चीज सच निकल के आती है वो नहीं पता, अगर ऐसा होता है तो मैं कहूंगा कि बहुत बढ़िया चीज रहेगी, बिकॉज कॉम्पैक्ट फोन पर कोई ब्रांड ध्यान नहीं देता है, सभी बल्कि फोन निकाल देते हैं। अगर यहाँ पर नथिंग एक इस तरह का कॉम्पैक्ट फोन मार्केट में लेकर आएगा, जिसको हम सिंगल हैंड से आराम से यूज कर पाएंगे, तो ये फोन मार्केट में बहुत तहलका मचा सकता है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ट्विटर पे ये काफी वायरल हो रही है इस टाइम पे, वीडियो क्लिप जो है नथिंग फोन 2A माइक्रो की, क्या एडिटिंग की है, बहुत मस्त लग रही है दिखने में। एक्चुअल में क्या होता है देखेंगे, अप्रैल फूल है या क्या है बताऊंगा मैं आपको, आज तो 1 अप्रैल चल ही रही है, पता लग जाएगा हमको कल तक क्या ये चीज थी। अब अगर हम मोटो S50 Pro की बात करें ना, इसकी प्राइसिंग लीक हो गई है। आपको पता है 3 अप्रैल को लॉन्च है इस फोन का इंडियन मार्केट में, अब तक हम अपना माइंड लगा रहे थे कि इसकी प्राइसिंग 30 के अंदर होगी या क्या होगी, लेकिन जो लीक निकल के आया ना वो आया है
45,000 का। मुझे तो ऐसा लग रहा है 30 से ऊपर इसका प्राइस नहीं जाना चाहिए। 2999 में होगा तो मैं कहूंगा तहलका मच जाएगा इंडियन मार्केट में। ज्यादा महंगा हुआ तो प्रोसेसर अपने प्राइस को कहीं से जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, ये बात बिल्कुल साफ है। कोई यहाँ पर इतना 30 बार का प्रोसेसर नहीं है। स्नैपड्रैगन 7 जेन 3 है इस फोन में, जो कि मैं OnePlus Note CE4 में भी देखने को मिलने वाला है, मिल रहा है मतलब। और जो Note CE4 है ना, उसकी प्राइसिंग आपको बताया 30 के अंदर ही है। तो ये इसको ऊपर कैसे ले जा सकते हैं प्राइसिंग को? नहीं ले जा सकते। माना कि यहाँ पर चीज़ें और एडवांस दे रखी हैं, बट फिर भी जो परफॉर्मेंस है वो मैटर करती है। इससे पहले रियलमी का जो 12 प्रो प्लस आया था, हमने क्या कहा था? माना कि कैमरा अच्छा है, डिज़ाइन अच्छा है, चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन प्राइसिंग परफॉर्मेंस को जस्टिफाई नहीं कर रही थी। वहाँ पर था 7S Gen 2। अच्छी बात है, इस टाइम पे 25,000 का वो फोन आप बाय कर सकते हैं, बहुत ही तगड़ा डिस्काउंट वहाँ पर चल रहा है। अभी भी आप लूट लो अगर आपको वो फोन बाय करना है तो। मैंने फ्लिपकार्ट पे चेक किया, 25,000 का ये फोन मिल रहा है इस रेंज में। इसका कैमरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आंखें बंद करके आप इसको बाय कर सकते हैं। इसकी परफॉर्मेंस भी वेल ऑप्टिमाइज है, कैमरा अच्छा है, डिजाइन अच्छा है, बिल्ड अच्छी है, कहीं से आपको कोई कमी नहीं होगी इस फोन के साथ। इसके अलावा अगर मैं और आपको कुछ डील बताऊँ ना, एक तो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE 5G का ट्रिपल एड वाला वेरियंट आप 28,500 में बाय कर सकते हैं। इसको भी अगर आपको करना है ना तो आप अभी बाय कर लो, क्योंकि फिर आपको ये शायद इतने कम प्राइस में फोन बहुत कम देखने को मिले। क्योंकि आप लगा लो अब M55 लॉन्च होगा सैमसंग का, साथ में और F55 भी लॉन्च होने वाले, जब वो फोन आ जाएंगे ना इसको इस प्राइस से हटा दिया जाएगा। बिकॉज अगर ये वहीं पे पड़ा रहा तो 888 के साथ कोई भी उन फोन को बाय नहीं करेगा। F55 में मिलने वाला X01480, आप खुद बताओ जब हमको सेम प्राइस पे 888 मिल रहा होगा हम वो बाय क्यों करेंगे? वो तो M55 है, यहाँ पर होने वाला है स्नैपड्रैगन 7 जेन 1। और जहाँ तक नोट सी 4 5G की बात है, प्राइसिंग देखकर दोस्तों मजा आ गया OnePlus Note CE 4 5G की। 25,000 में आप इस फोन को बाय कर सकते हैं, और जो यहाँ पर फीचर्स हैं प्राइस के हिसाब से वो बढ़िया लगे हैं मुझे। बाकी मैं फोन की टेस्टिंग करके आपको जल्दी वीडियो दूंगा। ये मैं आपको बता दिया, ये आज फोन लॉन्च हुआ है। अगर मैं इस फोन को देख रहा हूँ ना, UFS 3.1 स्टोरेज, लेटेस्ट रैम, बढ़िया प्रोसेसर, चीजें यहाँ पर गजब की दे रखी हैं। ये फोन पूरी टक्कर देगा सेम प्राइस पे आने वाले स्मार्टफोन्स को, बिकॉज यहाँ पर इसका UI बहुत जबरदस्त है। कस्टम UI नहीं है यहाँ पर, ऑक्सीजन OS आपको मिल रहा है। इससे पहले जो Note CE 3 5G था उसने भी तहलका मचाया था। अब यहाँ भी मैं आपको जल्दी वीडियो दूंगा इसकी, फोन टेस्ट करके, जहाँ पर आपके सभी डाउट क्लियर मैं कर दूंगा ये फोन अपने प्राइस पे कहाँ स्टैंड कर रहा है। उसके लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब बात करते हैं पोको F6 के बारे में। ये फोन भी अब बिल्कुल कंफर्म हो गया है, जो चाइना में लॉन्च होना है ना टर्बो सीरीज का फोन, रेडमी नोट 13 सीरीज का, वहां पर वो सेम बन के आएगा पोको F6 इंडियन मार्केट में। अब ये कंफर्म हो चुका है, पोको F6 में आपको मिलने वाला है 8S Gen 3। और इसके ऑनटू बेंचमार्क स्कोर भी निकल के सामने आ चुके हैं, 1.4 मिलियन तक जाते हैं इसके बेंचमार्क स्कोर। जो 8 Gen 3 है वो देता है स्कोर 2 मिलियन के आसपास, और जो आपको 8 Gen 2 मिलता है वो इसी के आसपास स्कोर देता है। तो उसी के आसपास का ये प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा, ये प्लस पॉइंट है, परफॉर्मेंस में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और जो 7S Gen 3 है जो आपको OnePlus Note 4 में देखने को मिल रहा है, वहां पर भी आपको 1.4 मिलियन के आसपास स्कोर्स देखने को मिल रहे हैं उसके, मतलब Note 4 के। Note 4 का वीडियो आपको बहुत जल्द इस चैनल पे मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ हेल्प मिलेगी आज की वीडियो से। हेल्प मिली है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। हम मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।